हमारे साथ हमारे रिपोर्टर अली इकबाल मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या इस मर्तबा हुकूमत पंजाब ने कोरोना के बायस इजाजत दे दी है, और अगर इजाजत दे दी है तो SOPs क्या डिसाइड किए गए हैं। जी अली इकबाल। जी बिल्कुल राय साहब, रात गए जो है वजीर कानून राधा बिशाज की जेर सदारत जो है एक होम डिपार्टमेंट आला सतह इजलास हुआ, जिसमें तमाम जो शिया मकातब फिक्र के उलमा इकराम थे वो मौजूद थे, और एक हिकमत अमली जो है वो तय की गई थी, जिसमें तमाम उलमा इकराम इस बात पे मुतफिक हो गए थे कि इस बार जो है हजरत योम अली का जो जुलूस है उसको जो है वो कम से कम जो है वो रखा जाएगा। साथ ही साथ ये भी तय पा गया था कि वो कम से कम तादाद के हिसाब से रखा जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर तो मेरा ख्याल है कमी होने वाली नहीं है, महदूद करने के हवाले से जो है वो मामला तय पा गए थे, और ये तय पाया था कि 100 गज तक जो है ये जुलूस को महदूद कर दिया जाएगा, और सिर्फ मजालिस की इजाजत होगी SOPs के मुताबिक, और तमाम जो लोग वहाँ पे मजालिस में शिरकत करेंगे वो 2 फुट का जो है वो फासला रखेंगे। लेकिन रात गए जो है वो फिर उलमा इकराम जब यहाँ से वो किए, अब उनका फिर दोबारा से इसरार सामने आया कि नहीं इसको मजीद जो है वो बढ़ाने की जो है वो इजाजत दी जाए, और साथ ही साथ उनका मुतालबा था कि KPK और सिंध हुकूमत ने जो है ये परमिशन दे दी है, योम अली का जो शहादत का जो जुलूस है वो वैसे ही एज इट इज होगा इन 2 सूबों में। लेकिन सुबह जो है वो KPK ने भी ये जो अपना जो नोटिफिकेशन किया था वो वापस ले लिया है, और इसके साथ साथ सिंध ने भी वापस ले लिया है। अभी तक उन सूबों में भी कोई भी हतमी तौर पे फैसला नहीं किया जा सका, कहा जा रहा है कि इस मामले को जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसमें ले के जाया जाए, और बाकी सतह पर जो है इसके हवाले से कोई हुकूमत असेंबली आज जो है वाजिया कर दी जाए। तमाम सूबों का मुतालबा ये कि अगर वफाक इस मामले को लीड करे और एक बाकायदा नोटिफिकेशन जारी करे तो उस पर जो है सूबों को अमल दरामद कराना आसान होगा। तहम अब तक जो तमाम स्टेक होल्डर्स का कहना यह है कि वफाकी सतह के ऊपर पॉलिसी बनाई जाए और फिर उसको टो किया जाए। जी बिल्कुल राय साहब, अब तक जो तजावीज सामने आई हैं वो यही है कि इस जुलूस को महदूद किया जाए, इजाजत दी जाए, मजालिस के बाद जो है 100 गज तक जो है इनको बाहर जुलूस के लिए निकलने की इजाजत दी जाए, और जितने भी मरकजी जुलूस हैं सिर्फ वही जुलूस हैं शहर भर में, 1 से 2 की तादाद इनकी होगी। अली इकबाल, मैंने यौम शहादत अली करमला वजह के हवाले से मुतअद्दिद जुलूसों की कवरेज की है, बेहिसाब और बेपनाह रश होता है इन जुलूसों के अंदर, कैसे मुमकिन है कि इस तादाद को कम किया जाए? आप किसी को किस तरह रोकेंगे? वो लोग जो अकीदतमंद हैं, वो लोग जो जायरीन हैं, वो इस जुलूस के अंदर शिरकत करना चाहते हैं, किस तरह रोक पाएगी हुकूमत या ये उलमा कराम किस तरह रोक पाएंगे? जी बिल्कुल, शिया उलमा काउंसिल के जेर तमाम जो है ये तमाम तरह मुज़ाकरात जो है वो चल रही हैं, और उन्होंने ये इस चीज़ की जो है वो निशानदेही भी की है कि लोगों को रोकना जो है वो काफ़ी मुश्किल होता है। तहम उनका कहना है कि हम मुख्तलिफ किस्म के जो है वो नोटिफिकेशन करेंगे और जो है मुख्तलिफ किस्म के जो है ऑर्डर्स जो जारी करेंगे, और साथ ही साथ जो उनके स्काउट्स हैं वो इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि लोगों को कम से कम जो है वहाँ पर बुलाया जाए, जो लोग वहाँ पर ड्यूटियाँ सर अंजाम देते हैं सिर्फ वही लोग मौजूद हों, बाकी लोगों को वो खुद जो है वो मुख्तलिफ फतवा जारी करके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त हमारे साथ कराची से नदीम शहजाद मौजूद हैं। नदीम शहजाद से पूछते हैं कि हुकूमत सिंध के हवाले से ये इत्तला आ रही हैं कि पहले शहादत यौम अली करमला वजह की इजाजत दे दी गई और उसके बाद नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, आखिर इसकी वजूहात क्या है? जी नदीम शहजाद। जी साल से सिंध हुकूमत के महकमे दाखिला की जानिब से नोटिफिकेशन अब जो जारी किया जा रहा है उसमें कहा गया तमाम उलमा इकराम की मशावरत से इज्तमात पर पाबंदी बरकरार रहेगी, जिसमें तमाम मजहबी सरगर्मियां जलूस और रैलियां पर पाबंदी होगी। 23 अप्रैल का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें तमाम इज्तमात पर मजहबी तकरीबात पर जो पाबंदियां लगाई गई थी उन्हें ही बरकरार रखा जाएगा, इस हवाले से कि कोरोना वायरस के फैलाव के हवाले से, चूंकि लॉकडाउन के इब्तदाई आयाम से ही चूंकि इज्तमात पर और मेल जोल पर जो है फिजिकल डिस्टेंस और सोशल डिस्टेंस की बात की गई है, इस हवाले से ये कहा जा रहा है। लेकिन दूसरी जानब अभी तक जो सामने आ रही है हुकूमती सतह पर कि वफाक ने जो इजाजतनामा दिया है इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि उसके मुताबिक जितने भी इज्तमात हैं इनमें नरमी का जो फायदा उठाते हुए कोई नरमी बरकरार रहेगी, यौम अली के मौके पर भी जो जुलूस है वो निकाल जाएगी जिसकी तैयारियां भी की जा रही थी। लेकिन अब जो महकमा दाखिला की जानब से जो कहा जा रहा है कि 23 अप्रैल वाला नोटिफिकेशन बहाल रहेगा तो इस हवाले से अब ये जुलूस जल्द से इज्तमात नहीं हो सकेंगे, लेकिन आने वाली सूरत हाल जो है उसे देखा जाएगा कि इस हवाले से हमारी जो जराए की खबर है हमें ये कहा जा रहा है कि जुलूस के हवाले से यौम अली के मौके पर जुलूस रैलियां निकाली जाएंगी और जो भी SOPs होगी इस पर एहतियाती तदाबीर को अमल दरामद करते हुए जो भी हुकूमत देगी उस पर अमल
पैरा होते हुए जुलूस निकालेंगे, लेकिन अब आने वाली दिनों के अंदर एक इंतहाई नाजुक मोड़ की तरफ जाते हैं कि देखा जाएगा कि अब ये जुलूस निकलता है कि नहीं। इसके अंदर कराची शहर के अंदर अगर बात की जाए तो कराची के तकरीबन पूरे कराची को बंद कर दिया जाता है। इसमें नुमाइश से शाह खुरासान से जुलूस निकल कर बकायदा तौर पर M3 से होता हुआ जो कि एक सदर से एक बाईपास बनाया गया वहां से गुजरता हुआ सदर से आई चंद्रीगढ़ रोड से या M A जिना रोड आएगा, M A जिना रोड से होता हुआ ये इस जुलूस से टावर पर आकर इख्तिताम पजीर होना होता है और इंतहाई पूरे रास्तों के ऊपर मुकम्मल तौर पर स्क्रूटनी रखी जाती है। लेकिन अब चूंकि कोरोना वायरस के जो फैलाव की रोकथाम के लिए जो इकदाम किए गए हैं इस हवाले से देखा जाएगा कि क्या इस पर अमल दरामद होता है कि नहीं। इस हवाले से जो नरमियां दी गई हैं बाजारों के अंदर भी जो सूरत हाल देखी जा रही है कि उस बाजारों के अंदर मुकम्मल तौर पर इस वक्त भी बिल्कुल रश है वहां का, जितनी भी ताती तदाबीर है इन पर अमल दरामद होते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सिंध के अंदर शहादत यौम अली के हवाले से निकलने वाले जुलूसों को इजाजत नहीं दी गई, जबकि पंजाब के अंदर सूरत हाल आपके सामने है कि आज भी मीटिंग होगी और इस हवाले से तवक्कु ये है कि शहादत यौम अली का जुलूस लाहौर के अंदर कम अज कम जरूर निकलेगा। और हमारे साथ खैबर पख्तूनख्वा से हमारे नुमाइंदे नवाब शेर मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में शहादत यौम अली करमला वजह के हवाले से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं और क्या हुकूमत इस जुलूस की इजाजत देने के लिए तैयार है। जी नवाब शेर। जी बिल्कुल, दीगर शहरों की तरह पिशावर में भी हजरत अली करमला वजह की शहादत की जो वो तकीबात और इंतजाम है वो उनकी वो तैयारियां जारी है। इस सिलसिले में पुलिस ने जो है वो तमाम तर सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल कर लिए है। SSP ऑपरेशन पिशावर उन्होंने मुख्तलिफ इमाम बारगाह का खुद दौरा किया और वहाँ पर सिक्योरिटी के जो इंतजाम थे उनका जायजा लिया, जबकि इसके साथ साथ अंदरूनी शहर को। नवाब शहर, क्या हुकूमत ने इजाजत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, क्योंकि सिंध के अंदर तो जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसको मुअत्तल कर दिया गया है और सबका नोटिफिकेशन को जिसके अंदर तमाम तर मजहबी रसूमात अकायद के हवाले से तकरीबात के ऊपर पाबंदी आयद है। इस सिलसिले में अभी तक तो कोई नोटिफिकेशन सामने नहीं आई और ना ही हुकूमत ने कोई नोटिफिकेशन जारी किया है, लेकिन अलबत्ता अगर देखा जाए तो जो इंतजाम है वो किए जा रहे हैं। और इस सिलसिले में जो मैंने जैसे कि आपको बता दिया है कि पिशावर की जो पुलिस है और खासकर SSP ऑपरेशन उन्होंने जो है वो मुख्तलिफ इमाम बारगाह शहर में जो क्राइम मुख्तलिफ इमाम बारगाह है उनका खुद दौरा किया और वहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी का जायजा लिया, जबकि इसके साथ साथ वहाँ पर जो नफरी है पुलिस की उनको भी बढ़ा दिया गया है। लेकिन जैसा कि आपको बता दिया है कि अभी तक जो है वो कोई नोटिफिकेशन सामने नहीं आया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नवाब शेर, आपने हमें बताया कि ताहाल खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जुलूस पर पाबंदी या जुलूस निकालने के हवाले से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, लेकिन मुकामी इंतजामिया जिले इंतजामिया इस हवाले से इंतजाम जरूर कर रहे हैं। देखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर और दीगर सूबों के अंदर क्या फैसले किए जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ मारूफ आलम दीन जनाब आसिफ रजा अलवी मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि ऐसी सूरत हाल के अंदर जब वबा फूट चुकी हो, जब बीमारी फैलने का खदशा मौजूद हो, तब इस किस्म के जुलूस निकालना क्या मुनासिब होगा और दीन इस हवाले से क्या अहकाम जारी करता है। आसिफ रजा अलवी साहब, वेलकम टू द शो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अलवी साहब, हालात आपके सामने हैं, कोरोना की वबा गलियों और कूचों के अंदर फैल रही है, दूसरी जानब हम मजहबी जुलूस निकालने की बात कर रहे हैं, आप नहीं समझते कि ये मुनासिब वक्त नहीं है? सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे ख्यालात के इजहार का एक मौका फराहम किया। मुश्किल वक्त हमेशा कौमों के लिए आते हैं और इस मुश्किल वक्त में कौमों के हुक्मरानों को बहुत से मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं। जैसा कि ये आलमी वबा है जिससे पूरी दुनिया इसका सामना कर रही है, पाकिस्तान की हुकूमत ने भी वही तमाम इकदाम किए जो पूरी दुनिया के हुक्मरानों ने किए और पाकिस्तान में रहने वाले तमाम ही लोगों ने हुकूमत पाकिस्तान के उन तमाम इकदाम जो जो उन्होंने कहे वैसा ही पाकिस्तान के रहने वाले हर एक बासी ने वैसा किया। अब सूरत हाल ये है कि जैसा कि लॉकडाउन में कमी का ऐलान कर दिया गया और बाजार खोल दिए गए, दुकानों के शटर ओपन हो चुके हैं, बाजारों में आप जाके देखें कंधे के साथ कंधा मिला हुआ, लोगों का एक रश जमे गफीर और मार्केटों में, बाजारों में, चौक चौराहों में हर तरह से मौजूद है। जब आप एक तरफ से इक्तसादी और माशी हवाले से
आप लोगों के लिए नरमी का ऐलान करें, लेकिन मजहबी हवाले से आप उसी तरह सख्ती को बरकरार रखें, तो इससे एक वबा के साथ एक मजहबी नफरत के पैदा होने का खदशा बहर सूरत मौजूद था। लिहाजा हुकूमत पाकिस्तान की लॉकडाउन में नरमी के बाद शिया काबरीन और उल्मा की जो आजादारान की जो मीटिंग सरकारी अदारों से हुई, हुकूमती एहलकारों से हुई, तो उसमें यह तय पाया गया कि जो SOPs के तहत दुकानें बाजार खुले जा रहे हैं, उसी SOPs के तहत हम जुलूस को बरामद कर सकते हैं। मसलन रवायती जुलूस जो है उनका दौरानिया जो है, अगर वो 24 घंटे का है तो उसे 24 घंटे से 2 घंटे पे किया जा रहा है। अगर एक मजलिस जो है वो 12 घंटे हो रही थी, उसे 1 घंटे पे किया जा रहा है, ताकि कम से कम हम ये जो मखसूस अयाम है जो हमें हर साल ये लैलतुल कदर है और ये अयाम शहादत अमीरुल मोमिनीन है, इस हवाले से इबादात से भी महरूम ना रहें और SOPs का ख्याल करते हुए हम अपनी। अली साहब, यहाँ पर दो बातें हैं। जो SOPs दिए गए थे ताजरों को बाजारों के लिए, उनके ऊपर कतई अमल दरामद नहीं हो रहा। वो लोग जो स्टेक होल्डर से, उन्होंने हाथ उठा दिए, उन्होंने कहा कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये काम हुकूमत को करना चाहिए। अब हालात ये हैं कि हुकूमत मजबूर नजर आती है कि वो लॉकडाउन के अंदर मजीद सख्ती कर दे। और दूसरी बात यह कि कोरोना फैलने के लिए वक्त का मोहताज नहीं है, वो ये नहीं देखेगा कि मुझे 1 घंटा मिला है या 24 घंटे मिले हैं, उससे तो स्प्रेड कर जाना है, फैल जाना है। और दीन तो आसानी की बात करता है, दीन तो नरमी की बात करता है, दीन तो लोगों की जिंदगियों को आसान करता है। हम इस मुश्किल दौर के अंदर लोगों की जिंदगियों को मुश्किल क्यों बना रहे हैं? हजूर, मैंने आपसे पहले गुजारिश की है कि बेशक लाइक राफ विद दीन, दीन में कोई जबर नहीं है, दीन सख्ती का नाम नहीं है, दीन आसानियों का नाम है। लेकिन जब हुकूमत ने ताजरों और सनतकारों के साथ लॉकडाउन में नरमी का ऐलान किया था तो उसमें तमाम SOPs उनको दिए गए थे। अगर वो ताजरान और अगर वो दुकानदार उन SOPs पे अमल दरामद नहीं कर रहे, तो ये रियासत का काम है कि वो अपने रिट को मनवाए, हुकूमत का काम है कि वो इस चीज को मनवाए। जबकि लोगों का माशी कत्ल हो रहा था, लोग भूखे मर रहे थे, हुकूमत ने जो पहला ऐलान किया कि हम गरीब को उसके घर में रोजगार के लिए जो निकलता था हम उसके घर में उसको राशन पहुंचाएंगे, हमने पिछले 1 माह में देखा है कि ये सारे वादे सिर्फ वादों की सूरत में रहे, ऐसा अमली सूरत में हमें होता हुआ नजर नहीं आया। यही पॉइंट है कि हुकूमती वादे पूरे नहीं हुए और ताजरों के दावे भी धरे के धरे रह गए। अब आप लोग किस तरह मुमकिन है कि वो लोग जो अकीदतमंद हैं, वो लोग जो जायरीन हैं, वो लोग जिन्होंने मन्नतें मानी हुई हैं, वो इन जुलूसों के अंदर आएंगे और आप उन्हें रोक पाए? नहीं, उसमें तमाम लसंसदारान जो हैं वो इस चीज की यकीनन पाबंदी करेंगे कि मास्क का इस्तेमाल, सैनिटाइजर का इस्तेमाल, 6 फीट का फासला, इन तमाम चीजों को यकीनी बनाया जाए। हम अलवी साहब, ये कैसे मुमकिन हो पाएगा? आप भी इसी मुल्क के अंदर रहते हैं, मैं भी इसी मुल्क के अंदर रहता हूं, और हमने देख लिया कि लॉकडाउन को जब नर्म किया गया ताजरों के लिए तो हालात क्या पैदा हुए। अब अगर यौम शहादत अली करमुल्ला वजह के लिए इजाजत दी जाती है तो हम इंश्योर कैसे कर सकेंगे? आप एक आलम दीन हैं, आप स्कॉलर हैं, आप इस फिके से ताल्लुक रखने वाले मोतबर लोगों में आपका शुमार होता है। किस तरह हम ये लोग तय कर पाएंगे कि हम 6 फुट का फासला भी रखेंगे, जिन रूट्स के ऊपर ये जुलूस निकलता है वहां पर तो शायद 6 फुट की गलियां भी नहीं है। जनाब, उसमें फिर मेरी गुजारिश ये है कि जैसे देखें रजब के महीने में ये कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुआ, रजब के माह से लेके आज 19 रमजान तक मुसलसल जितने भी हमारे मजहबी प्रोग्राम थे, चाहे वो 25 रजब शहादत इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलाम का था, चाहे वो 28 रजब मदीना से रवानगी थी, चाहे वो शाबान के मासूमीन अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने के जश्न थे, 15 शाबान तक उन तमाम को मौखर किया गया और तमाम ही अजादारों ने हुकूमत के साथ इस बात पे भरपूर उनके इकदाम को सराहा कि अगर हुकूमत वक्त ये फैसला ले रही है तो हमने अपने वो तमाम प्रोग्राम मौखर किए। लेकिन जब आप एक तरफ आप एक चीज को ताजरों को, सनतकारों को बाजारों में, चौक चौराहों में, आप हर चीज में नरमी कर रहे हैं, तो फिर आप, मैं
जो बात मैंने पहले कही है, तो फिर आप महज एक शोबे को, एक चीज को, एक मजहबी त्यौहार को, एक मजहबी इबादत को आप उनको दीवार के साथ नहीं लगा सकते, क्योंकि ये तो हमारी अरवी साहब, मैं हरगिज ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान के अंदर बसने वाले किसी फिरके को या किसी मजहब से ताल्लुक रखने वाले शख्स को दीवार के साथ लगा दिया जाए। मेरा सवाल तो मुख्तसर है, एक तजर्बा किया गया, तजर्बा नाकाम हो गया, ना 6 फुट का फासला हुआ, ना सैनिटाइजर इस्तेमाल किए गए, ना मास्क का इस्तेमाल हुआ, नतीजा ये कि गुज़िश्ता चंद दिनों के अंदर हलाकतों की तादाद 3 गुना बढ़ गई, मरीजों की तादाद 3 गुना से ज़ायद हो चुकी है। हम किस तरह इंश्योर करेंगे कि SOPs के ऊपर अमल दरामद हो अलवी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह जो कल वाले जुलूस थे, अभी मैंने थोड़ी देर पहले मुल्तान का जुलूस जो है वो बरामद हुआ और वो अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ मुकम्मल SOPs के साथ वो इख्तिताम पजीर हुआ। हम एक जिम्मेदार कौम है और इंशाल्लाह मजहब जाफरिया के जितने पैरोकार हैं, मौला अमीर अल मोमिनीन के जितने चाहने वाले हैं, वो अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए इंशाल्लाह ताला इन तमाम SOPs का ख्याल करते हुए अपने जुलूस को बरामद। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रजा अलवी आपका। हमें उम्मीद है कि यकीनन पाकिस्तान के तमाम शहरी SOPs के ऊपर अमल दरामद करेंगे, क्योंकि इन SOPs के ऊपर अमल दरामद करके ही हम खुद भी और अपने प्यारों को भी इस बीमारी से बचा सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर इजहार चौधरी मौजूद हैं, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के साथ इनका ताल्लुक है, अहदेदार हैं, उनसे जान लेते हैं कि क्या मौजूदा जो सूरत हाल है बाजारों की और जो आने वाले दिनों के अंदर मजहबी जुलूस निकाले जाएंगे उनमें SOPs का अगर ख्याल नहीं रखा जाता तो वो फोर्सी क्या कर रहे हैं। इजहार चौधरी साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। इजहार चौधरी साहब, आपके साथ पहले भी हमने कई प्रोग्राम किए और कोरोना के हवाले से भी आपके साथ गुफ्तगू हुई। SOPs के अंदर नरमी की गई है, लॉकडाउन को भी नर्म कर दिया गया है, बाजार खुल गए हैं, बाजारों की सूरत हाल आपके सामने है और अब 21 रमजान को शौम शहादत अली करमुल्ला वजहो मनाया जा रहा है। क्या आप समझते हैं कि इस सारे रश के बाद जो कोरोना पेशेंट्स हैं, इन्फेक्टेड पेशेंट्स हैं, उनकी तादाद के अंदर इजाफा होगा? इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। हमने तो नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, हमने पहले दिन से ही हुकूमत वक्त को ये दरख्वास्त की, इल्तजा की, उलमा कराम से इल्तजा की कि खुदारा आप बिल्कुल असर के वक्त रोजा जौन सा है उसको तोड़ने की ना कोशिश करें। हमारी कौम ने भरपूर तरीके से साथ दिया और अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र है कि लोगों ने इसकी संगीनी को समझते हुए अपने अपने तौर पर जिम्मेदारी अदा की। लेकिन अगर हुकूमत वक्त की तरफ से किसी एक खास ग्रुप, जो हम वाजे तौर पर समझते हैं कि ये ताजिर तबका था जिन लोगों ने रमजान की वजह से, ईद की खरीदारी और फरोख्त की वजह से हुकूमत वक्त को अंडर प्रेशर किया, हुकूमत के जो अलाइज किया उनके साथ बहुत सारे वज़रा ऐसे हैं जो कि तबकाती तौर पर ताजिर बरादरी से हैं, उन्होंने हुकूमत को मेरा ख्याल है कि इस संगीनी से आगाह होने की जो उनकी एक ख्वाहिश थी, एक कोशिश थी, उससे महरूम रखा और ये नतीजा आप लोगों के सामने है। हमें तो बिल्कुल क्लियरली एज प्रोफेशनल बॉडी अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए पहले दिन से ही, जनवरी से ही इनको खबरदार करना शुरू किया। लेकिन वो छोटे की मिसाल है कि छोटे को देखता है मालिक और देखता है कि देखो तूफान कहाँ तक पहुंचा है, वो कहता है अब अगले चौक पर पहुंचा है और आगे अंदर इत्मीनान की सांस देता है वो ठीक निभाएगा, देखा जाएगा। हमारा अमूमी तर्ज अमल ऐसा ही रहा है शुरू के 2-3 महीने में और जब ये चीज हमारी तरफ आ चुकी है, मैं खासतौर पर जिक्र करूंगा तूफान के बॉर्डर की, मैं खासतौर पर जिक्र करूंगा जो इंटरनेशनल हमारी इनकमिंग फ्लाइट्स के ऊपर, उसके वहां जो FIA का रूल रहा है, जो हमारी कैजुअल एंट्री के लिए लोगों ने गैर संजीदा रवैया अख्तियार किया है, उसने हमें बहुत बड़ा इसकी कीमत की अदायगी की तरफ धकेल दिया है, हमें इसमें छोंक दिया। तो इजहार चौधरी साहब, अब आप फोर्सी क्या कर रहे हैं? बाजारों की सूरत हाल, रिलीजियस इज्तिमात हमारे पास आ रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप, क्या सोच रहे हैं, मरीजों की तादाद किस हद तक बढ़ सकती है? कोई सोचने वाली और कहने वाली बात ही नहीं है। बाप को अपने बच्चों का और अपने उसका सबको बहुत अच्छी तरह, जैसे कहते हैं गुंगे की मांग गुंगे की नमजों को बहुत अच्छी तरह समझती है। हमें अपनी आवाम का और हमारे मोहल्ले वकूफ का, हमारी सराउंडिंग का बखूबी अंदाजा है, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं थी। इसी चीज से हम बार बार अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए बाखबर कर रहे थे कि ये नहीं कंट्रोल होगा, कोई SOPs नहीं है। जहाँ 70-80% कौम जो वो इलिटरेसी की लाइन से नीचे हो, वहाँ वो SOPs को किसी को समझ ही नहीं, SOPs क्या चीज होती है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप
हुकूमत के वक्त की तरफ से कहें, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री ये कहे कि मैं तो पहले दिन से इस चीज के खिलाफ था लॉकडाउन के, और हमारे पास मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और अदरवाइज इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सस्टेनेबिलिटी नहीं है, हमारे पास तो एक ही रास्ता है गरीब आदमी के पास के आइसोलेशन आइसोलेशन एंड ओनली आइसोलेशन। अगर हम इजहार साहब, आज कौमी असेंबली के अंदर भी ये बाजगश्त रही कि हुकूमत के पास ना तो कोई ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है और ना ही कोई टेस्टिंग प्रोटोकॉल है, आप इस बात से इत्तफाक करते हैं? 200% दुरुस्त है, ये तो बात हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं। आज इत्तफाक क्या करना, हम तो जनरल फरवरी से इनको खबरदार कर रहे थे, मुश्तरी होशारबाज कर रहे थे कि आपके पास कुछ भी नहीं है, ग्राउंड रियलिटी से आपके पास नहीं है, आपको जकड़ा हुआ है ब्यूरोक्रेसी ने, जो अकेले कुछ समझती है लेकिन जहालत की इंतहा होती है। जिस वक्त वो एग्जीक्यूट करते हैं तो सबसे पहले आपने देखा उनके मुलाजमों में तकसीम हुआ, वो उनके रिश्तेदारों में तकसीम हुआ, उनके बच्चों में तकसीम हुआ, उनके दोस्तों में तकसीम हो गया, और जिन लोगों ने फ्रंट लाइन पे इसको कंटेस्ट करना था, लड़ना था, आगे जाके सर्व करना था, वो डॉक्टर या पैरामेडिक्स थे या हमारी नर्सिंग बहने थी। हम लोग महरूम रह गए, हम जो एक रूटीन का रूटीन उससे लेकर काम कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा वहाँ विजिटिंग डिप्टी कमिश्नर है, जो विजिटिंग हमारा जो प्रोटोकॉल अफसर है, वो जो डॉक्टर इजहार चौधरी साहब, मुझे यूं महसूस होता है कि आप लोगों की बात हुकूमत तक पहुंच नहीं पाती, वो लोग जो डिसीजन मेकर्स हैं वो आपकी बात को सुन नहीं पा रहे। डॉक्टर यास्मीन राशिद जो कि मशीर सेहत है पंजाब की, आपकी कुलीग रही हैं और आपके साथ बॉडी के अंदर भी रही हैं, गालिबन वो सदर थी तो आप सेक्रेटरी जनरल थे पीएमए के, तो क्या वो भी आपकी बात आगे नहीं पहुंचाती या वो आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है? मैं थोड़ी सी दुरुस्ती कर दूं, इसमें कोई शक नहीं, हमें फख्र है कि हमारी उनसे 30-35 साल की रफाकत रही और इस प्लेटफॉर्म से उन्होंने जो भी हुकूमत वक्त उस वक्त की और उस डॉक्टर बरादरी के लिए अमूमी तौर पर बहुत बड़ी जदोजहद की है। लेकिन आज मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि इस वक्त टोटल जो हमारा हेल्थ का निजाम है वो शौकत खानम ने टेक ओवर कर लिया या हमारे कजन ने टेक ओवर कर लिया, और उसका नतीजा है कि ग्राउंड रियलिटी से हटके, ग्राउंड रियलिटी से हट के हम फैसले कर रहे हैं और उसका खमियाजा पूरी कौम भुगतेगी। हम इस चीज से बाहर नहीं निकल रहे हैं कि वहाँ का सिनेरियो और है, शौकत खानम की बैकग्राउंड, वहाँ की रिक्वायरमेंट, वहाँ के जो है वो डिफरेंट है, जो हमारा कॉमन है वहाँ वो उसके करीब से भी नहीं गुजरा ना वहाँ गुजर सकता है। और वो जो शेरवा बर्की साहब हैं उन्होंने कभी यहाँ जमीन के ऊपर रहते हुए पाकिस्तान के अंदर रहते हुए एक दिन भी सर्व नहीं किया, उस बंदे को उसकी माइंड सेट को कैसे अंदाजा होगा कि हमारे लोगों की क्या जरूरियात है और हम कैसे इसको सस्टेन कर सकते हैं। मैं बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ कि शी हैज रेडली फेल टू इन अ सेंस के वो वहां तक कम्युनिकेट नहीं कर पा रही, उनकी या एक्सेप्ट नहीं है या उनको ये एक्सेप्ट दी नहीं जा रही, वहां फैसले करने वाले वही चंद हैं। तो क्या मैं ये समझूं कि डॉक्टर यास्मीन राशिद फैसले करने वालों में नहीं है और फैसले कहीं और हो रहे हैं और वो फैसले शायद शौकत खानम में हो रहे हैं, जैसे कि आपने कहा कि शौकत खानम हॉस्पिटल ने पंजाब के हेल्थ सिस्टम को यरगमाल बना लिया है? ये वफाक ने बना लिया और वहाँ का चीफ एडवाइजर फैसल सुल्तान है कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव है लाहौर का जो शौकत खानम हॉस्पिटल है, तो उनको क्या पता कि ग्राउंड रियलिटीज क्या है? उन्होंने कभी एक दिन हमारे बी एच यू आर एस सी पे काम किया हो, कभी उन्होंने हमारे तहसील हेडक्वार्टर पे काम किया हो, कभी उन्होंने मियाँ अस्पताल जैसे अदारों को चलाया हो, तो उनको पता हो कि हमारे मियाँ अस्पताल का बजट है 5-6 अरब रुपया और वो 3.5 लाख मरीजों पर कैटर करता है सर्जरी उसके साथ, और जो शौकत खानम का बजट है वो 27 अरब रुपया है और वहाँ जो आउटपुट है वो 27 से 30 हजार पेशेंट्स की है। अब क्या मुकाबला करते हैं उनके माइंड सेट की और हमारी जो रिक्वायरमेंट है ग्राउंड रियलिटीज को, उसका कहाँ कंपेरिजन हो सकता है? तो मैं ये समझ बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इजहार आपका, आपने हमें बड़ी तफसील के साथ ना सिर्फ ये अपडेट किया कि आने वाले दिनों के अंदर सूरत हाल क्या हो सकती है, बल्कि आपने ये भी इंकशाफ किया कि पंजाब का हेल्थ सिस्टम किसने यरगमाल बना रखा है। देखते हैं कि इस यरगमाली सिस्टम को बहाल करवाया जा सकेगा या नहीं करवाया जा सकेगा, फैसला इमरान खान आपने खुद करना।